महाराष्ट्र में बीजेपी की बन गई सरकार। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की आखिर सच हो ही गई भविष्यवाणी। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने महाराष्ट्र चुनावों से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भविष्यवाणी की थी। स्वामी जी ने कहा था कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने यह भी कहा था कि दोनों प्रदेशों में वर्तमान मुख्यमंत्री ही वापस से अपने अपने प्रदेशों की इस बार भी कमान संभालेंगे। लेकिन जब दोनों प्रदेशों का रिजल्ट आया तो एक बार को लगा कि स्वामी जी की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर आराम से सरकार बना ली और मुख्यमंत्री भी खट्टर ही बने। लेकिन महाराष्ट्र की भविष्यवाणी पर लगा कि इस बार स्वामी जी की भविष्यवाणी सच साबित नहीं होगी। यहां तक कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के मंत्रिमंडल के लिस्ट भी जारी हो गई। मुख्यमंत्री के नाम पर भी मोहर लग गई। उद्धव ठाकरे के नाम पर तीनों दलों से सहमति बन गई। साथ ही यह भी सहमति बनी कि कांग्रेस एनसीपी की तरफ से एक एक उप मुख्यमंत्री होगा और शिवसेना के 14 मंत्री, एनसीपी के 14 मंत्री और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। इसके अलावा आज यानी 23 नवंबर को तीनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे ही शपथ ग्रहण बीजेपी का हो गया। यानी यह पहली बार हुआ कि अखबारों में मुख्यमंत्री शिवसेना का और शपथ ले ली बीजेपी वाले ने। खैर, जो हुआ सो हुआ, राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। लेकिन इन सबसे परे अगर सोचा जाए तो स्वामी जी की भविष्यवाणी याद आ गई। स्वामी जी ने कहा था कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि सरकार बनाने में भले ही थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। इसके अलावा स्वामी जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र ही बनेंगे, लेकिन कुछ समय बाद समस्या आ सकती है और उन्हें बीजेपी की तरफ से नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज की राजनीति के हालात कह तो यही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिनके समर्थन से सत्ता में दोबारा आई है, इतना पक्का यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार पूरे 5 साल चल पाएगी। हो सकता है बीच मझधार में नाव बदलनी पड़े और शिवसेना की तरफ से सीएम उद्धव हो और बीजेपी का समर्थन हो। यह राजनीति है, कुछ भी संभव है। लेकिन इन सब के बीच सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की जो बातें हैं या उनकी भविष्यवाणियां हैं, एक बार फिर साबित करती हैं कि स्वामी जी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगा। यानी आज तक स्वामी जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें जरा भी इधर उधर नहीं हुआ, 100% सच साबित हुई। स्वामी जी के भक्त स्वामी जी को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। कुछ तो बात है जो सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज को दूसरे संतों से अलग बनाती है। बुलंदशहर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए शुभम तेवतिया की रिपोर्ट।